गोवा में राजनीतिक भूचाल शायद आने वाला है या आ चुका है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप गोवा की राजनीति को देखते किस तरफ से हैं। हमारे साथ आज गोवा मोहित्रा जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं और जो चाहती है कि गोवा में एक राजनीतिक भूचाल आ जाए। तो मोवा जी स्वागत है आपका इंडिया हिंदी पर। ये बताएं पहले कि क्या ये भूचाल आ रहा है, आने वाला है, क्या हो रहा है गोवा में? डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि आप गोवा का हिस्ट्री अगर देखिए तो 2017 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में गोवा के लोग क्या चाहते थे, 17 सीट, 40 में से 17 सीट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुमत किसके तरफ, वो कांग्रेस के। कांग्रेस ने सरकार नहीं बना इवन विद 17 सीट्स, तो ये जो बीजेपी जो सरकार चला रही है 5 साल से वो बैकडोर सरकार है, वो लोगों के वोट से नहीं जीत के आया। तो इस बार हम क्या करें, हम लोगों के पास फिर वही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चॉइस हो कि कुछ और चॉइस हो जहां वो वोट डाल सके। मैं अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था, प्रमोद सावंत जी के साथ, वो कहते हैं कि बड़ी पार्टियां हैं यहां पर जो ख्वाब देख रही हैं कि राष्ट्रीय दल बन जाए। क्या वो मोहित्रा का भी दल यही ख्वाब देख रहा है क्या? मुझे शायद तृणमूल राष्ट्रीय दल है, पर मुझे लगता है कि गोवा में राष्ट्रीय दल का कैसे क्या हालत बने ये चुनाव के बाद देखना चाहिए। तो क्या होगा, क्या मतलब आप में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में ऑलरेडी क्या खिचड़ी पक चुकी है क्या? नहीं, मतलब उसे खाली कुकर को रखना है क्या? नहीं, ऐसे अगर आपका बात माना जाए तो फिर सब कुछ छोड़ दे और इंडिया में सिर्फ दो ही पार्टी रहे, बीजेपी और कांग्रेस, और वो जो और सब घर पे बैठे, ये तो होना नहीं है डेमोक्रेसी में। सो इट इज नेसेसरी फॉर चेंज टू हैपन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बाइनरी ऑप्शन कभी होता नहीं है। बीजेपी यही चाहता है कि कांग्रेस तो हमको विरोध नहीं कर सकते, विपक्ष नहीं तो हम ही जीतते रहेंगे, सॉरी ये नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस सिचुएशन में इन गोवा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज और एक ऑप्शन देना। आप बनना क्या चाहते हैं मोवा जी, आप नई एज कांग्रेस बनना चाहते हैं? नहीं, क्यों हम नई एज कांग्रेस पर, हम अपना तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि हम अपना तृणमूल कांग्रेस, हम क्यों किसी और टाइप का कांग्रेस बने? क्योंकि धारणा ये बनती है कि आप जो जितना आप ऊपर उठेंगी उतना बीजेपी भी ऊपर उठेगी, ये लॉजिक कैसा है? एंटी बीजेपी वोट काट देंगे। अच्छा, क्यों हम एंटी बीजेपी वोट, बंगाल में क्या हुआ बाय दैट लॉजिक? कांग्रेस और सीपीएम आईएसएफ के साथ मिलकर तो हर सीट में कैंडिडेट दिया। लोगों ने क्या समझा, लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस के भी वोटर थे उन्होंने सोचा कि कांग्रेस को वोट देना इस बार वोट को वेस्ट करना है, जो तृणमूल का वोटर नहीं भी था वो भी तृणमूल को वोट दे दिया। तो यहाँ पे लोग वो सिलेक्टिव चूजिंग करेंगे, जहाँ पे देख रहे हैं कि तृणमूल स्ट्रांग है वो कांग्रेस को वोट देना वेस्ट है, तृणमूल को वोट देंगे। अच्छा ये बताइए, बंगाली फिश करी और गोवन फिश करी में फर्क क्या है? एक्चुअली ये मैंने राजदीप में मुझे कहा था और मैंने उनको आंसर दिया था कि गोवन फिश करी, पर सच यही है कि मैं फिश खाती नहीं हूँ, हम फिश खाते ही नहीं है, हम प्रॉन खाते नहीं है, प्रॉन खाते, पर गोवा का खाना बहुत अच्छा, फिश करी का हम नहीं कह सकते, पर गोवा का सब खाना। मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने चिदंबरम जी का एक कथन मैंने देखा, चिदंबरम जी कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि जितनी पार्टियां है ना ये सब आ जाए और अल्टीमेटली हमको नेता बना दे, क्या फिर वो कांग्रेस सही आ जाए? ये तो 40-50 साल से हम सुनते आ रहे हैं, तो सब कांग्रेस में ही थे ना कि हम सब चक्की पीसे और नेता वो बने, वो दिन खत्म हो गए, मतलब चक्की पीसोइंग एंड पीसोइंग एंड समबडी एल्स नेता बनोइंग एंड बट इट डस एंड हैपनिंग एनीमोर, वो नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि आपकी और कांग्रेस के बीच कोई बातचीत नहीं है? नहीं देखिए, बातचीत तो होती है, बातचीत कांग्रेस की डेफिनेटली बातचीत, तो डायलॉग इज ऑलवेज ओपन, इट इज नथिंग लाइक दैट। 2024 को सामने रखते हुए हम सब एंटी बीजेपी, सब ऑपोजिशन पार्टीज बात करते हैं, और ये एक गोवा या एक मणिपुर और ये त्रिपुर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट्स अ मच लार्जर डायलॉग। ये आप समझ लीजिए कि गोवा में ठीक है, हमने चिदम्बरम जी को कुछ कह दिया, वो मुझे कुछ कह दिया, ये दिस इज नॉट द बिग डील, द बिगर पिक्चर स्टिल रिमेन्स, वो डायलॉग चलता रहेगा। पर इसके बट कीपिंग दैट इन माइंड दैट हियर द फाइट इज अगेंस्ट द बीजेपी एंड टू डिफीट द बीजेपी अल्टीमेटली, वेदर प्री पोल करे या पोस्ट पोल करे, बीजेपी लोगों के राय के ऊपर उसको ध्यान रखते हुए जो करना है वो करना। आपको लगता है कि कांग्रेस मुख्य जो समस्या है, अभी कल ही देखिए प्रियंका जी यहाँ पर थी, मुझे बताया गया कि प्रियंका जी ने अपना पब्लिक एंगेजमेंट में कैंसिल कर दिया, चुनाव का जहाज जो है वो टेक ऑफ करने वाला था, उनको जहाज की ज्यादा जल्दी थी, उनको पब्लिक नहीं। देखिए ये सब पर्सनल कमेंट्स हम किसी दूसरे पार्टी के, क्या ये उनको संजीव का, मैं कह रहा हूं उनकी सीरियसनेस के ऊपर क्या दर्शाता है? देखिए हम सीरियसनेस के ऊपर I'm not going to use this example, मैं इस उदाहरण के ऊपर नहीं जाऊंगी, पर 2017 में जो हुआ था कि 17 सीट लेके और फिर इंडिपेंडेंट सपोर्ट लेके उनका 20 बन जा रहा था, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी गवर्नर के पास नहीं गए, जस्ट थिंक अबाउट कि वो बैठे हुए थे कि गवर्नर साहब हमको बुलाएंगे, अरे बीजेपी का गवर्नर है वो थोड़ी ना तुमको बुलाएगा, राइट?
तो इफ दिस सेंस यू डोंट हैव दैट इज टू मी दैट इज नॉन सीरियस. प्रियंका जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते बट दैट वाज नॉन सीरियस. तो अंत में मुझको ये बताइए कि नोवा जी जो कुछ गोवा में होगा वो तो होगा लेकिन आपकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पृष्ठभूमि यहां से कहां जाएगी आगे? देखिए हम पार्टी के सोल्जर हैं. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. पहले मैं 7-8 साल बिना एमएलए काम की हूं. वो भी पार्टी के लिए काम किए. हम एमएलए बने, विधायक बने, हम काम किए, एमएमपी बने, हम काम कर रहे. पार्टी जो भी काम मुझे देगा, मतलब मंत्री मंत्री बनने का कुछ मजा नहीं. हम तो एमपी हैं, कैसे एमपी जाके बने? एमपी जाके बने ऐसा नहीं चलता है कि बंगाल में विधायक होना पड़ता है मंत्री बनने के लिए. आप कैसे ये बातें कर रहे हैं? मतलब ऐसा कोई नहीं, नहीं क्यों, हम तो एमपी हैं, क्यों पार्लियामेंट में जरूरत है हमारी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.